हाय एवरीवन, दिस इज़ कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉस्फाजीन पढ़ने वाले हैं। फॉस्फाजीन जो है ये भी सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट है और आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में ये आपको मिल जाएगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरा हैंडमेड नोट्स हैं, आई होप कि मैं आपको समझा पाऊँ। ऑनेस्टली मुझे भी ये टॉपिक्स जो है उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है और जितना इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा। आई होप कि ये यूज़फुल हो और साथ ही साथ ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको बहुत ही यूज़फुल हो सकता है ये जो नोट्स हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ जितना मुझे समझ में आया है। तो फॉस्फोजिन होता क्या है, देखते हैं। सबसे पहले फॉस्फोजिन आर अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड, ये जो है केमिकल कंपाउंड का एक क्लास है, इन विच अ फॉस्फोरस, हाँ फॉस्फोजिन है, फॉस्फोरस आइटम इज अ कोवेलेंटली लिंक टू अ नाइट्रोजन आइटम बाय डबल बॉन्ड। बहुत सिंपल सा है, यहाँ आप समझ सकते हैं फॉस्फाजीन में जो है फॉस्फोरस आइटम क्या होता है, सहसंयोजक रूप से कोवेलेंट लिंक टू अ नाइट्रोजन आइटम के द्वारा नाइट्रोजन आइटम के साथ जो है डबल बॉन्ड्स में जुड़ा होता है, एंड टू थ्री अदर आइटम्स, और साथ ही साथ और जो तीन अदर आइटम्स होते हैं या फिर जो रेडिकल्स होते हैं बाय सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब फॉस्फाजीन आप सिंपल से ये समझ सकते हैं कि फॉस्फाजीन जो है केमिकल कंपाउंड का क्लास है और इसमें जो है फॉस्फोरस आइटम जो होता है वो कोवेलेंट, मतलब कि सहसंयोजक बंध के द्वारा जो है नाइट्रोजन एटम जो है, हाँ जो फास्फोरस एटम होता है कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, जैसे कि फास्फोरस एटम है वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जो है डबल बॉन्ड के द्वारा, ये कोवलेंट बॉन्ड है डबल बॉन्ड के द्वारा जो है नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है, और साथ ही साथ और तीन अदर एटम जैसे कि नाइट्रोजन से और अदर एटम या ये जो रेडिकल्स हैं ये जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये बताता है, ठीक है। रेडिकल बाय सिंगल बॉन्ड, द कंपाउंड आर अनयूजली स्टेबल, ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि जो जो कंपाउंड है जो हमारा फॉस्फोरस कंपाउंड है वो जो है अनयूजली जो है स्टेबल होता है। एग्जाम्पल ऑफ द फॉस्फोरेन क्लास ऑफ मॉलिक्यूल एंड हैव अ रिमार्केबल फोटोन एफिनिटी, इसका एग्जांपल है फॉस्फोरेन क्लास ऑफ मॉलिक्यूल एंड रिमार्केबल फोटोन एफिनिटी भी होता है इसमें, ये अलग से इसका एक प्रॉपर्टी है। इस प्रकार फॉस्फाजीन के बारे में आप सिंपल सा नॉलेज ये रख सकते हैं कि ये जो है केमिकल कंपाउंड है, क्लास है, क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड है जिसमें जो फॉस्फोरस है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और बाकी तीन आइटम जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, और ये स्टेबल कंपाउंड है। इसका एग्जांपल ये है फॉस्फोरेन क्लास ऑफ मॉलिक्यूल। इस प्रकार अगर हम फॉस्फाजीन पढ़ रहे हैं तो उसमें फॉस्फाजीन बेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ होता है। जो फॉस्फाजीन बेस आर स्ट्रॉन्ग नॉन मेटेलिक नॉन आयनिक एंड लो न्यूक्लोफिलिक बेस, दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द रेगुलर एमाइन एंड एमाइड बेस सच एज अ DBU, ठीक है। DBU की तरह जो एक रेगुलर है जो एमाइन या एमाइड जो बेस होता है उससे जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं, नॉन मेटेलिक एंड नॉन आयनिक होते हैं, तो फॉस्फाजीन बेस होते हैं नॉर्मल जो हमारे रेगुलर जो बेस होते हैं जैसे कि एमीन एंड एमाइड, उससे जो है थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये हमारे फॉस्फाजीन बेस। इसी प्रकार ये फॉस्फाजीन बेस भी कंप्लीट होता है। ये जो है एक स्ट्रक्चर है, फॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर है, ये बैम्प का स्ट्रक्चर है, BEMP का स्ट्रक्चर, इसको आपको अलग से बनाना पड़ेगा, और ये फॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर है जो इसका रिएक्शन होने के बाद ही हमारा फॉस्फाजीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आप एज इट इज बना सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दो नंबर या तीन नंबर में ये क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका सिंपल सा ये जो डेफिनेशन करके उसका बेस करके आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यह इसका स्ट्रक्चर फॉस्फाजीन का। अब फॉस्फाजीन के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। फॉस्फाजीन बेस आर यूज्ड एज अ बेसिक टाइट्रेट इन नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन, हाँ फॉस्फाजीन बेस जो होते हैं वो कैस कहाँ यूज होते हैं, ये जो बेसिक टाइट्रेस जो हम प्रैक्टिकल करते हैं नॉन एक्वस, ठीक है, जो घुलते नहीं हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इसका उपयोग करते हैं, एंड दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जो हमारा फॉस्फाजीन जो बेस हमने पढ़ा ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं इन मैनी सॉल्वेंट, बहुत सारे जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, एंड देयर कंजुगेट एसिड आर इनर्ट एंड नॉट HBD केटाइन, ठीक है, केटाइन सॉरी। तो ये वही आपको फॉस्फाजीन का एक ये प्रॉपर्टीज़ भी याद रखना है कि इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसका यूज़ है ये कि इसका टाइट्रेट इन नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है इन मैनी सॉल्वेंट, ये आपको इसका सिंपल सा
जो है प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं आप इसको। तो यही है, फास्फाजिन भी कंप्लीट होता है। फास्फाजिन भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप ये जो है इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, फास्फाजिन बेस ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज इधर लिख सकते हैं, इस प्रकार आपको फास्फाजिन कंप्लीट होता है। तो आई होप कि ये यूजफुल हो आपके सेमेस्टर एग्जाम में। आई होप कि आपको जो है कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो से, आपको कुछ नोट्स मिला हो। मुझे जितना आता था मैंने उतना समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो। अगर यूज़फुल हुआ हो, थोड़ा सा भी अगर यूज़फुल हो, और आगे भी अगर आपको इस तरह से नोट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।